खबर झारखंड से, महंगा पड़ेगा सफर, बस किराया हुआ दोगुना, एक यात्री को बगल की खाली सीट का भी किराया देना होगा। झारखंड के एक से दूसरे जिले में बस का परिचालन शुरू करने की राज्य सरकार ने अनुमति दे दी है। सरकार के इस निर्णय के बस संचालकों और यात्रियों को राहत हुई, मगर यात्रियों के जेब पर इसका असर भी पड़ेगा। दरअसल सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बस संचालन के दौरान आधी सीट खाली रहेगी। ऐसे में बस संचालकों ने खाली सीट का किराया बगल सीट पर बैठने वाले यात्री से ही लेने का निर्णय लिया है। मतलब कहीं जाने पर अगर 200 रुपये लगते हैं तो अब यात्रियों को 400 रुपये देने होंगे। रविवार को खादगड़ा बस स्टैंड में रांची बस ऑनर्स एसोसिएशन की बैठक हुई, जहां यह निर्णय लिया गया, दुगुना किराया नहीं लेंगे तो बस चलाना संभव नहीं। एसोसिएशन झारखंड में आरजेडी सरकार होने से तेज प्रताप ने किया इनकार, कही यह बड़ी बात। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव झारखंड सरकार के रवैये से नाराज हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि केस तो झारखंड सरकार पर होना चाहिए। मैं अपने पिता से मिलने गया था, मैंने गेस्ट हाउस की मांग की थी, सरकार ने मुझे गेस्ट हाउस नहीं दिया, सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए थी। तेज प्रताप यादव ने कहा, मैं वहाँ चार गाड़ी से गया था, पीछे लोग खुद ब खुद आ गए तो मुझे क्या मालूम, झारखंड सरकार ने गलत किया, झारखंड में मेरी सरकार नहीं है। तेज प्रताप ने आगे कहा कि मैं रांची गया था तो कहाँ रुकता, रात में खुले आसमान के नीचे रुकता, मैंने कोरोना टेस्ट भी करा था। झारखंड सरकार को केस के बारे में फिर से सोचना चाहिए। शर्तों के साथ पटरी पर लौटी जिंदगी, होटल रेस्टोरेंट मॉल सैलून की हो रही सफाई, बस सेवाएं भी होगी शुरू। झारखंड में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बसों का अंतर जिला परिचालन शुरू करने, होटल रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल खोलने का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। कंटेनमेंट जोन के भीतर बाहर लगभग सभी व्यावसायिक गतिविधियां शुरू करने की अनुमति सरकार ने दे दी है, लेकिन व्यवहारिक रूप से इनके संचालन में 2 दिन लग जाएंगे। सभी सेवाओं का संचालन 1 सितंबर से पहले होने की उम्मीद कम है। सभी सेक्टर में सेवा शुरू करने की तैयारी हो रही है। बसों का परिचालन शुरू करने से पहले उनका मेंटेनेंस करना पड़ेगा। झारखंड में जमीन की साइबर लूट, ऑनलाइन रिकॉर्ड में हो रही है हेराफेरी, गलत और अवैध म्यूटेशन के मामले। राज्य में जमीन की साइबर लूट हो रही है। आम लोगों की जेब से पैसा उड़ाने वाले जामताड़ा के साइबर अपराधियों से भी बड़ा गिरोह जमीन लूट में लगा है। जमीन के ऑनलाइन रिकॉर्ड तैयार करने के नाम पर यह हेराफेरी हो रही है। राज्य के कई अंचल कार्यालय में भू माफिया व अफसरों का गठजोड़ इस काम में लगा है। फर्जी दस्तावेज के सहारे मूल रहतों की जमीन दूसरे के नाम की जा रही है। धनबाद, रांची और बोकारो सहित कई अन्य जिलों में हेराफेरी के मामले सामने आए हैं। सिर्फ धनबाद जिले के सभी 4 अंचलों में सैकड़ों एकड़ जमीन की साइबर लूट हुई है। CNT एक्ट की धज्जियां उड़ाकर आदिवासी रहतों की जमीन भी दूसरे के नाम की गई है। मंत्री से लेकर आम आदमी तक की जमीन के कागजों में हेराफेरी कर दी जा रही है। झारखंड रिम्स में लगी प्लाज्मा थेरेपी दूसरी मशीन, लोगों का लंबे इंतजार से मिलेगी राहत। कोरोना से संक्रमित गंभीर मरीजों के लिए अब राहत भरी खबर रिम्स से निकल कर आई है। दरअसल सूबे के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में प्लाज्मा थेरेपी के लिए एफरेसिस की दूसरी मशीन भी रिम्स पहुंच गई है। पहले सिर्फ एक मशीन से ही प्लाज्मा थेरेपी किया जा रहा था, जिससे लोगों को इंतजार करना पड़ रहा था। अब एक दिन में 8 लोगों का प्लाज्मा थेरेपी हो सकेगा। बता दें कि रिम्स में ब्लड बैंक में 28 जून को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्लाज्मा डोनेशन की विधिवत शुरुआत की थी। JEE नीट की परीक्षार्थियों के मदद के लिए BJP ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, केंद्र पर लगेंगे स्टॉल। BJP ने JEE और नीट की परीक्षा के लिए छात्रों की सहायता करने को एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, उसे लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा झारखंड प्रदेश द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जो छात्रों को साधन और सुविधा मुहैया कराएगी। उन्होंने बताया कि सेंटर के बाहर एक सहायता केंद्र बनाया जाएगा, जहां मास्क सैनिटाइजर के साथ साथ रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था की जाएगी। इसको लेकर BJP के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि शिक्षा में राजनीतिक और राजनीतिक में शिक्षा का इस्तेमाल करना दुर्भाग्यपूर्ण, बल्कि राजनीति में शिक्षा की आवश्यकता है।
30 सितंबर तक बंद रहेंगे शैक्षणिक संस्थान, 5 सितंबर को शिक्षक होंगे सम्मानित। राज्य के तमाम शिक्षण संस्थाएं 30 सितंबर तक बंद रहेगी, 5 सितंबर को शिक्षकों को सम्मान करने के लिए भी शिक्षा विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कोरोना काल के दौरान जिन शिक्षकों ने छात्र छात्राओं के लिए बेहतर काम किया है, ऐसे शिक्षकों को राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने कोरोना शिक्षा योद्धा का संज्ञान दिया है और उन्हें सम्मानित किया जाएगा। पूर्व VC जिसका कर चुके उद्घाटन, 31 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री फिर से करेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड में गड़बड़झाला की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। अब विश्वविद्यालय प्रशासन 31 अगस्त को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से चेरी मनातू स्थित नवनिर्मित प्रशासनिक भवन का उद्घाटन कराने जा रहा है। इस भवन का उद्घाटन 25 जुलाई को ही पूर्व VC डॉक्टर नंद कुमार यादव इंदू कर चुके हैं। विश्वविद्यालय की ओर से उद्घाटन की तस्वीर के साथ खबर भी प्रकाशित कराई गई थी। केंद्रीय मंत्री श्री निशंक 31 अगस्त को दोपहर 3 बजे इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। 6 महीने बाद खुलेंगे सैलून, संचकालों के चेहरे पर दिखी खुशी। रांची में शनिवार को सरकार की तरफ से 6 महीने के बाद सैलून को खोलने की निर्देश जारी किया था। वहीं सरकार के इस फैसले से सैलून संचालकों में काफ़ी खुशी देखी जा रही है। शनिवार को सरकार की तरफ से 6 महीने के बाद सैलून खोलने का निर्देश दिया गया, जिसके बाद से सैलून संचालकों ने कोरोना महामारी से बचाव के नियमों का पालन करते हुए काम शुरू कर दिया है। सैलून को खोलने का निर्देश सरकार की तरफ से 6 महीने से लॉकडाउन की अवधि में सैलून को बंद करने का निर्देश दिया गया था, जिसके कारण सैलून संचालक पूरी तरह से सड़क पर आ गए थे। सैलून संचालकों की ओर से कई बार विरोध प्रदर्शन भी किया गया था कि सरकार कुछ सहायता करे। खदान मजदूरों के हकूक की लड़ाई के लिए होगा आंदोलन, DMFT फंड का सही से नहीं हो रहा उपयोग। सेल की किरीबुरु मेगा हाथुबुरु खदान प्रबंधन एवं ठेकेदारों द्वारा शोषित हजारों ठेका मजदूरों के शोषण, अत्याचार एवं उनके हक अधिकार के लिए अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन किरीबुरु की धरती पर कोरोना खत्म होने या सरकार द्वारा अनलॉक की घोषणा के बाद किया जाएगा। उक्त बातें झारखंड माइन मजदूर यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष विधायक दीपक बिरुआ ने मेगा हाथुबुरु में आयोजित यूनियन की विशेष बैठक में कही। उन्होंने कहा कि कम पैसा में ठेका मजदूर सेल कर्मियों से भी अधिक काम कराते हैं, इसके बावजूद प्रबंधन एवं ठेकेदारों दोनों मिलकर खदान मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। खबर है आभूषण से। इस स्कीम के तहत आज से मिलेगा सस्ता सोना, 4 सितंबर तक है आखिरी मौका, ऐसे उठाएं फायदा। यूं तो सोने चांदी में जारी उतार चढ़ाव का असर हमें सराफा बाजार में ग्राहकों की आमद के रूप में देखने को मिलता है। कभी ग्राहकों की आमद से बाजार गुलजार रहते हैं तो कभी वीरान हो जाते हैं। खैर, इस बीच सरकार ग्राहकों को सस्ता में सोना उपलब्ध कराने के लिए एक स्कीम लेकर आई है। हालांकि यह स्कीम बहुत पुरानी है। इस स्कीम की शुरुआत तो मोदी सरकार ने नवंबर 2015 में ही किया था, लेकिन समय समय पर सरकार इस स्कीम का फायदा ग्राहकों को देती रहती है। इस स्कीम का नाम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है। इसमें निवेश करने से ग्राहकों को लंबे समय तक फायदा मिलता है। यह स्कीम 31 अगस्त को खुलेगी और आप इसका 4 सितंबर तक उठा सकते हैं फायदा। हिंगना क्षेत्र से 15.50 लाख के विद्युत खंभे चोरी। खबर है नागपुर के हिंगना क्षेत्र से। पुनर्वसन विद्युतीकरण के लिए रखे गए 271 नग विद्युत खंभे चोरी हो गए। इसकी कीमत करीब 15,53,518 रुपये बताए गए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार दर्शन कॉलोनी नंदनवन निवासी स्वप्रिय खेमराज चौधरी एक ठेकेदार के पास काम करता है। इस ठेकेदार को पावर इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन नागपुर की ओर से पुनर्वसन विद्युतीकरण करने का ठेका मिला है। स्वप्रिय ने हिंगना थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उसके ठेकेदार ने मौजा सुम थाना क्षेत्र में 400 विद्युत खंभे रखे थे। यहां पर कोई सुरक्षा गार्ड नहीं होने का वायदा उठाकर अज्ञात चोर 271 विद्युत खंभे सहित करीब 15,53,518 रुपये का माल चुरा ले गए।
दरअसल चौधरी ने पुलिस को बताया कि विद्युत खंभों की देखरेख के लिए सुरक्षा गार्ड रखे गए थे, लेकिन लॉकडाउन में वह काम छोड़कर चले गए। इसके बाद दूसरे नौकर विद्युत खंभे को देखने जाया करते थे, दो दिन वहां कोई नहीं गया। उत्तर प्रदेश पंचायत इलेक्शन, योगी सरकार कर रही विचार, दो से ज्यादा बच्चे वाले नहीं लड़ सकेंगे प्रधानी चुनाव। खबर है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश की योगी सरकार बड़ा फैसला कर सकती है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनावों को लेकर योगी सरकार बड़ा संशोधन करने की तैयारी में है। दरअसल जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकती है। इसके साथ ही उम्मीदवारों के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित करने की तैयारी है। बता दें कि कैबिनेट के माध्यम से इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। दरअसल यूपी के पंचायती राज्य मंत्री खुद इसके पक्षधर है। इसके अलावा केंद्र सरकार राज्य मंत्री राजीव बलियान समेत अन्य नेता भी इस बाबत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख चुके हैं। सूत्रों की माने तो उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता को लेकर भी दिशा निर्देश तय किए जा रहे हैं। हालांकि इस मामले में आखिरी फैसला मुख्यमंत्री को ही लेना है। लालू ने तेज प्रताप को दिया था ये टिप्स, चुनाव में ऐसे प्रत्याशियों को मिलेगा टिकट, कुछ यूं है प्लान। खबर है बिहार से। चारा घोटाले के एक मामले, रांची के जेल में बंद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने के बाद तेज प्रताप काफी जोश में नजर आ रहे हैं। मां राबड़ी देवी और भाई तेजस्वी से हुई मुलाकात के बाद आज वे पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे। यहां राजद नेता ने विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है, साथ ही कहा कि लालू प्रसाद यादव ने चुनाव को लेकर टिप्स दिए हैं जिसके आधार पर पार्टी सर्वे करा रही है और मजबूत कैंडिडेट को ही टिकट दिया जाएगा, ऐसे किसी को टिकट नहीं दिया जा सकता है। राजद नेता ने कहा कि चुनाव का माहौल है और कई उम्मीदवार जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनसे मुलाकात हो रही है। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं और उन्हें अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन्हें टिकट दिया जाएगा। संगठन में पिछले 15-20 सालों से काम करने वालों को ही पार्टी वेटेज देगी। एनडीए ने 220 सीटों का दावा किया है कि सवाल पर तेज प्रताप ने कहा कि हम सभी 243 सीट लेकर आएंगे। वहीं सूत्रों के मुताबिक तेज प्रताप इस बार महुआ सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। किसी सेफ सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर लालू से उनकी बात हुई है। खबर है मौसम से। मौसम के उतार चढ़ाव में इन बातों का जरूर रखें ध्यान, वरना जाना पड़ सकता है अस्पताल। खबर है उत्तर प्रदेश के मेरठ से। एक तो कोरोना का बढ़ता प्रकोप और ऊपर से बुखार, खांसी, जुकाम आदि ने समस्या को और बढ़ा दिया है। इन दिनों जिस तरह का मौसम पल पल बदल रहा है और बुखार, जुकाम, खांसी होते ही लोग भयभीत हो उठते हैं कि कहीं उन्हें कोरोना तो नहीं हो गया। चिकित्सकों ने मौसम के उतार चढ़ाव को हल्के में न लेने की सलाह दी है, यह सेहत के लिए भारी पड़ सकता है। उतार चढ़ाव भरे मौसम में बीमारियां तेजी से पनपती है, ऐसे में खुद को बचाए रखने के लिए विशेष सतर्कता जरूरी है। इस बार मौसम की चाल समझ से परे है, कभी तेज धूप हो जाती है तो कभी आसमान बादलों से घिर जाता है, बीच बीच में बारिश भी हो रही है जिसके चलते मौसम नम हो जाता है, दूसरे ही दिन फिर तेज धूप कड़कने लगती है। बिजली बिल वसूली को विभाग शुरू करेगा अभियान। खबर है झारखंड के जामताड़ा से। 5 माह से लंबित बिजली बिल की वसूली को लेकर सोमवार से विभाग अभियान शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके लिए सोमवार से 2 दिवसीय शिविर पंचायत स्तर पर लगेगा ताकि कोरोना काल में बकाया को बिजली उपभोक्ता अपने गाँव के नजदीक ही जमा कर सकेंगे, उन्हें जिला मुख्यालय का रास्ता न नापना पड़े। 31 अगस्त तक 1 सितंबर को करीब 1 दर्जन जगहों पर बिजली बिल वसूली शिविर का आयोजन होगा। बिजली विभाग के जितेंद्र कुमार ने बताया कि बिजली बिल वसूली शिविर सुबह से दोपहर तक लगेगा। इस अवधि में उपभोक्ता स्थानीय शिविर में पहुंचकर अपने लंबित बिजली बिल राशि का भुगतान करेंगे। उपभोक्ताओं की सुविधाओं को देखते हुए प्रखंड स्तर पर भी बिल जमा कराने को लेकर शिविर लगाया जा रहा है ताकि लोगों को बिजली का भुगतान करने में परेशानी ना हो। खबर है उत्तर प्रदेश से। रोजी रोटी के लिए प्रदेश लौटने की तैयारी, रेलवे स्टेशन पर टिकट के लिए मारा मारी।
कोरोना संक्रमण का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, बावजूद लोग फिर से रोजी रोटी की तलाश में लोग प्रदेश लौटने लगे हैं। पूर्वांचल के जौनपुर जिले में मुंबई, दिल्ली और गुजरात को जाने वाली ट्रेन में टिकट के लिए मारामारी मची हुई है। कम ट्रेनों के कारण भी यह भीड़ बढ़ती जा रही है। आरक्षण काउंटर पर टिकट पाने के लिए रोजाना लंबी कतारें लग रही है। कई कई दिन लोग लाइन लगा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान कामकाज ठप होने पर हजारों की संख्या में प्रवासी महाराष्ट्र, गुजरात से गांव आए थे। अनलॉक के बाद अब कंपनियों सहित कुछ उद्योग धंधे चल रहे हैं, इस कारण प्रवासी अब फिर से काम पर लौटने लगे हैं। खबर है बिहार से। सहरसा के राजद नेता विजेंद्र यादव की सड़क दुर्घटना में मौत। लालू यादव से मिलने गए थे रांची। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने रांची गए थे। पूर्व जिला पार्षद सह राजद नेता बिहार थाना के बिजलपुर निवासी विजेंद्र यादव की मौत रांची से लौटने के दौरान हजारीबाग में सड़क दुर्घटना में हो गई। विजेंद्र यादव आगामी विधानसभा चुनाव में महेशी विधानसभा क्षेत्र से टिकट की अपनी दावेदारी हेतु 3 दिन पूर्व पटना गए थे, जहां से वे रांची लालू प्रसाद यादव से मिलने रांची चले गए। रांची से लौटने के दौरान हजारीबाग के समीप सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। खबर अब देश दुनिया से। UPI समेत डिजिटल ट्रांजेक्शन पर नहीं देना होगा कोई चार्ज। अगर काटा है आपका पैसा तो मिलेगा रिफंड। अब डिजिटल ट्रांजेक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्ज नहीं लगेगा। अगर 1 जनवरी 2020 के बाद किसी भी ट्रांजेक्शन पर MDR चार्ज कटा है तो बैंक इसे ग्राहक को रिफंड भी करेंगे। रविवार को केंद्रीय मंत्री प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस बारे में बैंक को निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार ने पिछले साल सितंबर में ही एक सर्कुलर जारी कर बताया था कि 1 जनवरी 2020 से इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए पेमेंट कराने पर MDR समेत कोई अन्य चार्ज नहीं वसूला जाएगा। दरअसल सरकार देश में डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला लिया है। गलवान घाटी में झड़प के बाद भारतीय नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में तैनात किया युद्ध पोत। भारत चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव अभी भी बरकरार है। पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग तोसो के फिंगर इलाके में अभी भी दोनों देशों के बीच गतिरोध जारी है। हालांकि भारत भी चीन की हरकतों से सतर्क है और अपनी सैन्य क्षमता को लगातार बढ़ा रहा है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक भारतीय नौसेना ने गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद दक्षिण चीन सागर में चुप्पी से अपनी एक युद्धपोत की तैनाती कर दी थी। नहीं चलेगा टोकन स्मार्ट कार्ड जारी, जाने ट्रेवल गाइडलाइंस। कोरोना वायरस महामारी के बीच लगाए गए लॉकडाउन की वजह से दिल्ली समेत देश भर में मेट्रो सेवाओं को बंद कर दिया गया था। हालांकि 5 महीने बाद सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइंस में मेट्रो रेल को चलाने की छूट दी है। इसी के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने दिल्ली मेट्रो सेवा को चलाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। इन प्रतिबंधों के तहत अब मेट्रो में सफर करने वाले लोग टोकन नहीं ले सकेंगे। साथ ही हर कोच में सफर करने वाले लोगों की संख्या में सीमित होगी। अधिकारियों ने अभी भी कोच में अधिकतम यात्री की संख्या का खुलासा नहीं किया है, पर मेट्रो के 6 डिब्बों की कुल क्षमता 1800 से 2000 पैसेंजर की होती है। बजाज ऑटो के MD राजीव बजाज का कहना है कि GST रेट 18% करने से 10,000 तक घट सकते हैं दोपहिया वाहनों के दाम। GST काउंसिलिंग की 41वीं बैठक के बीच बजाज ऑटो के MD राजीव बजाज ने कहा है कि दोपहिया वाहनों पर GST की दर 28% से घटकर 18% करने से इन वाहनों के दाम 8,000 से 10,000 तक घट सकते हैं। दरअसल इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि दोपहिया वाहनों की GST दर में संशोधन की जरूरत है। अब खबर है खेल जगत से। इतिहास में पहली बार शतरंज के ओलंपियाड के फाइनल में पहुंचा भारत। केनोरू हेम्पी ने शनिवार को पोलैंड के खिलाफ आर्मगेडम गेम में जीतकर शतरंज ओलंपियाड का सेमीफाइनल जीत लिया है। इससे पहले भारत का सर्वाधिक प्रदर्शन 2014 में कांस्य पदक जीतने का था और अब उसका पहला स्वर्ण या रजत पदक पक्का है। COVID-19 से संक्रमित हुए CSK के दीपक चहर बहन ने दी जल्द ठीक होने की कामना। COVID-19 से संक्रमित होने वाले 2 खिलाड़ी में चेन्नई सुपर किंग के फेसर दीपक चहर के होने की पुष्टि हो गई है। उनके जल्द ठीक होने की कामना करते हुए उनकी बहन मालती ने इंस्टाग्राम पर लिखा, आप सच्चे योद्धा हो, लड़ने के लिए जन्मे हो, सबसे काली रात के बाद ही सबसे उजाला दिन होता है, आपकी दहाड़ का इंतजार है। खबर है सुरेश रैना को लेकर। हमने आपको कल का खबर में बताया था कि सुरेश रैना IPL नहीं खेलेंगे और अपने निजी कारणों से स्वदेश लौट गए हैं। आखिर वजह क्या हो सकती है, जानते हैं खबर को विस्तार से। इंडियन क्रिकेटर सुरेश रैना IPL सीजन 13 छोड़कर वापस घर भारत लौट आए हैं।
उनके लौटने के पीछे की वजह पारिवारिक कारण बताया जा रहा था। जानकारी मिली के अनुसार सुरेश रैना के परिवार में एक बड़ा हादसा हुआ है। रैना के एक रिश्तेदार अशोक कुमार के परिवार पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया, जिसमें अशोक कुमार की मौत हो गई और परिवार के बाकी सदस्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना 19 अगस्त की रात की बताई जा रही है। पंजाब के पठानकोट के थरमियाल गांव में रैना के रिश्तेदार के परिवार पर हमला हुआ। रैना के रिश्तेदार अशोक कुमार पेशे से ठेकेदार बताए जा रहे हैं। उनके साथ तीन अन्य लोगों पर भी जानलेवा हमला हुआ है। उन सभी का सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना को बीते लगभग 10 दिन का वक्त हो चुका है, लेकिन पुलिस की पकड़ में अब तक एक भी आरोपी नहीं आ पाए हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि वह इस घटना के गहनता से जांच कर रही है। घटना के बारे में स्थानीय लोगों ने बताया कि रात के हमले के बाद अगली सुबह जब दूध देने वाले इस परिवार के घर आया तो इस घटना के बारे में आसपास के लोगों को जानकारी मिली और तुरंत परिवार के सदस्यों को अस्पताल पहुंचाया गया। रिश्तेदार के परिवार के लगभग सभी लोग पर हमले के बाद रैना UAE से लौटते हैं, जिनकी वजह से वे इस सीजन के IPL से भी बाहर हो गए हैं। रैना के रिश्तेदार पर हुए हमले की खबर उस वक्त ज़्यादा फैल गई जब 29 अगस्त को सवेरे CSK ने अपने ट्विटर हैंडल से ये बताया कि रैना अपने परिवार के कारण IPL छोड़कर वापस वतन लौट रहे हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।